एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है, इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आँखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आँख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मेहनत में हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं अभी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षु कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी, कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे।
धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्मजागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाएं। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोहमाया से अलग कर लिया था, डॉट वैसे ही अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मत्ता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मंदमंद मुस्कुराए और बोले मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ।
जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझे। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है।